साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। प्रैक्टिकल का दौर शुरू हो गया है, प्रैक्टिकल का बनाना आप शुरू कर दें। तो आज मैथमेटिक्स का सॉल्व प्रैक्टिकल, वो भी उर्दू में, और कौन कौन सी पिक्चर लगानी है, क्या क्या बनाना है, सब ए टू जेड दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें ताकि आपको जो भी अपडेट आए वो मिलती रहे, और सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, फ्री में प्रैक्टिकल देख के बना सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए तो कांटेक्ट कर लेना, नंबर डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं ये वाला प्रैक्टिकल 10वीं क्लास के लिए, 211 रियाजी यानी मैथमेटिक्स का। सरगर्मी वम ने, ठीक है, तमाशला ये इसका फार्मूला है, ठीक है। साहब का मालूम मुरक्का मुस्तरिल का रकबा, मकसद है तालिब इल्म समासला के तस्दीक करने का अहल हो जाएगा। मतलूबा सवाल क्या चाहिए, गत्ता सफ़ेद चार्ट पेपर मुख्तलिफ रंगों के, दो ग्लूकोज कैंची और गोंद, ये लिखना पहले पेज पे, जैसे जो कलर से वैसे ही लिखना भाई। ये भी पूरा, इसे मैं रख देता हूँ इस साइड, उसको भी इधर रख देता हूँ। अब यहाँ पे पेज नंबर 2, सरगर्मी की तैयारी। सफ़ेद चार्ट पेपर को एक मुरक्कब बनाए ए बी सी डी, इसके जिला की लंबाई ए प्लस बी, ब्रेकेट लगा देना इकाई हो, मसलन ए है 7 सेंटीमीटर, बी है 4 सेंटीमीटर, है ना, एंड लगा हुआ है एंड। इस मुरब्बे को काट लीजिए और कार्डबोर्ड पर चिपकाइए। लाल रंग के पेपर से ए इंटू बी वाले यानी 7 × 4 दो मुस्ततील, और हरे रंग के पेपर से जिला ए 4 सेंटी वाले का कटी हुई शक्ल को मुरब्बा ए बी सी डी पर चिपकाए ना, मुस्ततील ई एफ जी एच मुरब्बा और एफ एच सी जी मुस्ततील से मौसम कराएं। अब भाई इस पे जो इसका पीछे का पेज होगा ना, जैसे ये, तो पीछे के पेज पे ये आपको लगानी है, स्क्रीन शॉट कर लो आप इसका, ताकि आप जो आसानी से इसे कर सको। और आप मुझसे ये पिक्चर भी ले सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं रखूँ, और हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ तो वहाँ पर भी देख लें। इसके बाद भाई इसे भी रख देता हूँ। अब है तीसरा पेज, यहाँ पर मुजाहरा और इस्तेमाल, जूम कर लेता हूँ ताकि और आपको साफ दिखे। यहाँ पे यूनिट है ए प्लस बी यानी ए इंटू बी इक्वल मुरब्बा ए बी सी डी का। इसके बाद ये लिखना है आपको मुरब्बा ए के एफ ई, फिर उसके बाद आपको ए बी इक्वल ए बी टू यू, के एफ मुस्ततील का रकबा, उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखनी है। अब आवाज़ भी बता देना कैसी आ रही है आप लोगों को, ठीक है, और ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख देंगे भाई। और ये सॉल्व है सरगर्मी, ये सारे सॉल्व हुए हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सरगर्मी 2 है, उनवान है तमाशला की तस्दीक, ठीक है, ये साहब का मालूम मुरब्बा और मकसद तालिबे इल्म का तमाशला तस्दीक करना और जाहिर करना, मतलब का सामान कार्डबोर्ड सफ़ेद चार्ट और ये सारी चीज़ें। इसके बाद भाई ये पिक्चर बनेगी इस पर, ये भी इसकी पीडीएफ मुझसे ले लेना, कलरफुल है बिल्कुल कलरफुल, इसी तरह से चाय चिपका देना इस पर। इसके बाद भाई आ गई सरगर्मी की तैयारी, ठीक है, ये सरगर्मी की तैयारी है, सफ़ेद चार्ट बोर्ड पेपर ए बी सी डी, और इसके बाद ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख लीजिएगा, जिसके ज़िले की लंबाई ए हो, मसलन ए इक्वल है 10 सेंटीमीटर, इस मुरब्बे को काट लीजिए लाल रंग के पेपर से ए इंटू बी वाले, एक मुस्ततील हर रंग के पेपर से ज़िला ए इंटू बी, और इसको मुस्ततील रंग के पेपर से सजाएं, कटी हुई शक्लों को मुरब्बे से चिपकाएं, मुस्ततील और मुरब्बे मौसूम करें। इसके बाद आगे आ जाएं, मुजाहरे का इस्तेमाल है, वो साफ सुथरा मिलेगा आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल, अगर खरीद परचेज करना हो तो परचेज भी कर सकते, बना बना आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। यूनिट है ये दे रखा है मुरब्बा ए बी सी डी मुस्ततील, और ये पूरा इसके अंदर आपको लिख लेना है, ठीक है, शक्ल हम देख सकते हैं, ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख लेंगे, मुस्ततील का रकबा, मुस्ततील पेज ये सारा डाल लें, के डी जी एल मुरब्बा, ये सारा सॉल्व हुआ है, ये सब लिख देंगे। इसके बाद भाई पिक्चर नहीं है इस पर, सरगर्मी 3 शुरू हो जाती है, तकसीम के तरीके, 2 आदात के हिस्से मालूम करना, साहब का मालूम, आदात के जाए तरीके, आदात की तकसीम, मकासिब दिए हुए 2 आदात का हिस्से मालूम करना, अशिया क्या क्या है, कार्डबोर्ड स्केच कैची फ्यूल गोल और पेंसिल और रबर।
इसके बाद भाई इस पे भी इमेज है चिपका रखी हमने, आप भी बना सकते हैं सारी इमेजेस देखने। ये क्या है ये इमेज, थोड़ा सा जूम आउट कर देना ताकि आपको दिख जाए, ठीक है ये बना लेना। अब इसके बाद जो है भाई सरगर्मी की तैयारी शुरू हो गई। फर्ज कीजिए कि जो है हमें 20 और 30 का एचसीएल मालूम करना है। जोड़ के कीबोर्ड लीजिए, दो पट्टियाँ लीजिए और ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। मुजाहरे और इस्तेमाल, पहले दो पट्टियाँ आदाद 32 और 23 को जाहिर कीजिए और इस तरह से लिख दीजिए। इसके बाद भाई आ जाए अगले पे, यहाँ पे 32 लंबाई के मुस्तकिल तौर पर तकसीम की जाती है, इस तरह से ना डिवाइड करें। मतलूबा लंबाई 112, मतलूबा लंबाई 12 एम नहीं हो सकती क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर की पट्टी को मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं करती। इसी तरह दूसरा है, हम देखते हैं कि लंबाई 8 नहीं हो सकती क्योंकि 12 की पट्टी को मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं कर सकती, लेकिन 8 का करा तो 4 है, ये भी मुकम्मल तौर पर तकसीम कर देती है। इसके बाद भाई कोई पिक्चर नहीं है, अगले पेज पे है। अगले पेज पे वाली बात लिख देंगे, दो आदात का इससे मालूम करने के लिए हमें सबसे बड़ा ऐसा आदात मालूम करना होगा, तकसीम कर दे, ठीक है। फिर आगे आ जाएंगे सरगर्मी नंबर 4, मुआदिल कसरे, ठीक है ये सारे लिखेंगे। कसरों की तादाद ना दे रखी है, मकासद दे रखे हैं, तालिबे इल्म में मुआदिल कसरों की तस्वीर समझ सकेंगे। अशिया क्या है, ठीक है ये रहा ग्लेस पेपर, सुर्ख सफ़ेद मुरबा कागज, धागा, स्केच और ये सारी बातें। इसके बाद बाबूजी ये अगले पेज पर आ जाएंगे, ये इमेज देख लीजिए, ये इमेज ऐसे ही बनेगी, ठीक है पूरी इमेज है, देख लीजिए आप ध्यान से। मैं इसको घुमा देता हूँ ताकि आपको पूरी पिक्चर एक ही बार में दिख जाए, ठीक है। इसकी लाइट ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिख सके, हाँ ठीक है ये मैं रख देता हूँ भाई। अब यहाँ अब आ गए सरगर्मी की तैयारी, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जैसा था। अब यहाँ पे इसको ड्रेक पर एक साइज, स्क्वायर शीट पर एक साइज की 6 पट्टियाँ बनाए और उन्हें इस तरह से नाम दे दें, जैसे नाम दे रखा ना SS2S3 इस तरह से। हर एक पट्टी की इब्तदाई हिस्सा सिफर को जाहिर करेगा S1 इस तरह से, दूसरी पट्टी S2 और हर हिस्सा जो है तीसरी पट्टी और इस तरह से जाहिर करता है। इसके बाद जो है आगे चलेंगे, यहाँ पे इस तरह OWOV और ये सारी बातें। मुजाहरा और इस्तेमाल, ग्लॉस पेपर और धागे का इस्तेमाल करके इस तरह से ये सारी बातें आप इसमें लिख देंगे। सरगर्मी नंबर 5 आ गए, हमें साबित करेंगे कि दो मुतगैर वाले खत मुस्तवा को लाइतमीनानी हल होती है। सबका मालूम हल के मानी मकासद, दो मुतगैर वाले खत हासिल होती है, मतलब पेपर पैमाना पेंसिल। सरगर्मी की तैयारी, मिसाल दे रखी है यहाँ पे, मुजाहरे और इसका इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। नतीजा आप देख सकते हैं कि A, B, C तीनों एक नुक्ते पर दी गई हैं और मसावात है, यानी मसावात की दाई यानी कैल्शियम, दाई यानी RHS, LHS के मसावी हो जाते हैं। बस इसमें यही है अपना, पीछे भी कोई पिक्चर नहीं। सरगर्मी 6 है अब, उन्होंने इस बात की तस्दीक करना ये दिया हुआ है कि तसलसल एक हिसाबी तसादर एक भी है। मुतवक्को साहब का मालूम, तसलसल की मालूम, मकासद, मतलूबा सामान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। और इस पर भी इमेज आ गई भाई, ये आ गई इमेज, यह घुमा के दिखा रहा हूँ, आराम से बना लेना या प्रिंट निकलवा लेना इसका कलरफुल। खुद बना बनाया चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा आपको, एड्रेस पे मिल जाएगा। PDF में चाहिए PDF में ले लो, ठीक है जैसे चाहिए वैसे। और बहुत साफ सुथरा इस पर भी भाई इमेज है, ये भी इमेज आपको बनानी है, दिखा देता हूँ ये पूरी इमेज है, ठीक है। इसके बाद जो है आखिरी है पेज, नतीजा आखिरी है, तसलसल की रंगीन पट्टियाँ ऐसी तश्कील में, पहले तसलसल जो कि APO और फिर उसके बाद ये सारी बातें इसके अंदर लिख लें। तो भाई ये आपका जो है प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट भी होते हैं प्रैक्टिकल, देखो असाइनमेंट बदलते रहते हैं, प्रैक्टिकल एक जैसे रहते हैं। प्रैक्टिकल आप वहाँ पे फाइल लेके जाएंगे तो फाइल में लगा लीजिएगा,
अपना नाम वगैरह सब लिख लीजिएगा अच्छे से, और फिर उसके बाद वहाँ से पढ़ के जाइएगा। इसी में से वो कुछ पूछते हैं, मैथ के एक दो क्वेश्चन करा लेते हैं, और अगर आपको हमसे पढ़ना है तो हमसे भी ले सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी चीज़ का मीडियम में आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट TMA मिल जाएंगे, एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।